फ्रेंड्स, आज का टॉपिक लेते हैं अपने रोटेशनल वर्कआउट एंड रोटेशनल डाइट। तो इसका क्या बेनिफिट रहता है कि डेली आपको सेम वर्कआउट क्यों मना किया जाता करने के लिए, या डेली सेम ही डाइट जो न्यूट्रिशन लेते हैं आप, क्यों आपको मना किया जाता है? क्योंकि आपकी बॉडी को 7 एसेंशियल है जो न्यूट्रिशन है, आपके सातों के सातों न्यूट्रिशन चाहिए आपको। अकेला आप प्रोटीन ही लेते रहेंगे आप तब भी आपको नुकसान है, तो अपने विटामिन, मिनरल, फैट, कार्ब सबको लेते हुए ही वर्कआउट करते हैं, तभी आप एक कंप्लीट बॉडी बना पाएंगे, अच्छी बॉडी और हेल्दी बॉडी बना पाएंगे। इम्यूनिटी पावर भी आपका अच्छा रहेगा। और दूसरी बात करते हैं, अगर अपने वर्कआउट की बात करें तो वर्कआउट के अंदर अगर आप डेली चेस्ट ही लगाते रहोगे, या डेली शोल्डर ही लोगे, या डेली आप एक बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या कार्डियो कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आपको मिलने चाहिए रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। आपको एक अच्छे रिजल्ट के लिए या एक टोन्ड बॉडी के लिए आपको वेट ट्रेनिंग भी करना है, फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट भी करना है, स्टेमिना के लिए वर्कआउट करना है, कार्डियो भी चलेगा, बॉडी वेट वर्कआउट भी चलेगा और योगा भी चलेगा, अगर एक आप हेल्दी बॉडी चाहते हैं तो। डेली अगर आप बॉडी बिल्डिंग ही करते हैं, आए जिम में, ना वार्म अप किया ना कुछ, और फिर आके बॉडी बिल्डिंग करी, वेट उठाया, जिम में वेट पटका और वेट पटक के चले गए, आप एक बॉडी तो डेफिनेटली बना लोगे, एक अच्छी डाइट लेके, एक प्रोटीन कंप्लीट लेके, लेकिन थोड़े ही टाइम में आप फील करेंगे कि यार बीमार होना शुरू हो चुका हूं मैं। तो अकेला प्रोटीन ही नहीं, अकेली वेट ट्रेनिंग ही नहीं, आपको एक मिलिट्री प्रोग्राम उठाना चाहिए एक अच्छी लाइफ के लिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपको मॉडलिंग करनी है, आपको फिल्म एक्टर बनना है, तो या बॉडी बिल्डर ही बनना है, तो उन कंडीशन में एक अलग अलग सिचुएशन रहती है, तो अपने अलग अलग डाइट ही टाइप लेंगे और अलग अलग वर्कआउट ही फॉलो करते हैं उस कंडीशन में। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन की बात करूं तो मोस्टली लोग जो मेरे जिम में आते हैं वो बिजनेसमैन हैं। वो लोग कौन है? एक मिडिल क्लास लोग हैं, सर्विस करने वाले लोग हैं। उनके लिए क्या चाहिए कि उनको एक अच्छा वर्कआउट करना चाहिए, एक अच्छा वर्कआउट प्लान करते हुए उसके अकॉर्डिंग उनको डाइट लेनी चाहिए। और मैं उनको फिर यही कहना चाहूंगा कि डाइट आप जो लो सीजन के अकॉर्डिंग लो, ना कि पूरे साल एक ही तरह की डाइट लेते रहो। सीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो नेचर प्रोड्यूस करती है जिस सीजन के अंदर, आपको वही इंटेक करना चाहिए। कैसे लेना है और कब क्या वर्कआउट करना चाहिए, आज हम वर्कआउट की एक बेसिक जो ब्रीफ में मैं बताना चाहता हूं आपको, वही बताने वाला हूं। वर्कआउट के अंदर अगर आप जिम में आ रहे हैं, चाहे आप पार्क में वर्कआउट कर रहे हैं, तो अगर डेली आप रनिंग ही कर रहे हैं और आपका टारगेट है वेट लॉस, तो एक बात ध्यान रखिए, आप वेट लॉस तो कर लोगे, जितना करना चाहोगे उतना ही कर लोगे, लेकिन अगर आप बोलोगे मैं टमी भी कम कर लूंगा उससे, या मेरी बॉडी टोन भी हो जाएगी, तो नहीं हो पाएगी। और वही बात है कि अगर जिम आने से अगर आप बोले कि मैं एक अच्छी बॉडी बना लूंगा, एक अच्छी बॉडी बना लेंगे, लेकिन अगर आप बात करें एक हेल्दी बॉडी बना लोगे सिर्फ वेट ट्रेनिंग से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको हर चीज को कंबाइन करते हुए उठाना पड़ेगा। आपको वेट ट्रेनिंग करनी है तो साथ में कार्डियो लेना पड़ेगा, आपको कार्डियो कर रहे हैं तो साथ में वेट ट्रेनिंग भी चलेगी। और बॉडी वेट ट्रेनिंग जो है वो वेट ट्रेनिंग से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक पुशअप्स, स्क्वाट, सिटअप्स, क्रंचेज, आपके फिर अपने कैलिस्थेनिक के अंदर पैरेलल बार जो डिप्स लगाते हैं आप, ये सब वर्कआउट जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अकेली बॉडी बिल्डिंग या अकेली वेट ट्रेनिंग के लिए मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप एक लेवल तक अपना पीक उठाओगे तो एक दिन मसल, आपके टेंडन, आपके लिगामेंट, आपकी बोन्स जवाब दे जाएंगी, नतीजा क्या होगा, फ्रैक्चर लेके बैठ जाओगे या कोई ना कोई लिगामेंट आपका डैमेज हो जाएगा। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा आपसे कि खुद को सजा मत दीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, अपना वर्कआउट एंजॉय करिए, अपना डाइट एंजॉय करिए। और अगर ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, जैसे आप कभी कोई इलाज के लिए जाते हैं, बेस्ट डॉक्टर ढूंढते हैं, तो आप एक अच्छे ट्रेनर के पास ही जाइए जो सर्टिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो। अपनी बॉडी को आप किसी के हवाले यूं ही नहीं कर सकते। अगर उसने कुछ नी पेन दे दिया, बैक पेन दे दिया, तो आपका तो सारी उम्र लेके बैठे रहोगे, बाद में होने वाला कुछ भी नहीं है। मेरे पास क्लाइंट आके मिलते हैं जिम में जो बोलते हैं सर हमारा बैक पेन आज 200 से चल रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं होने वाला, अगर होगा तो बहुत लंबा टाइम लगता है उसमें। तो एक अच्छे कोच से मिलिए, एक अच्छे कोच के अंडर ही ट्रेनिंग करिए। जब आप खुद ही ट्रेनिंग के लायक हो जाए तो ठीक, आप खुद भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है।